नमस्कार आदाब, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक का डेली राउंडअप शो। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। ग्राउंड रिपोर्ट, किसानों का रेल रोको प्रदर्शन। दिल्ली, स्वतंत्र पत्रकारिता पर हमलों के खिलाफ मौन प्रदर्शन। उन्नाव, दो दलित लड़कियों की मौत, एक की हालत गंभीर। हमारी चौथी आखिरी खबर कोरोना अपडेट, देश में एक्टिव मामलों में एक बार फिर हुई बढ़ोतरी। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के तहत आज देश भर में रेल रोकों का आह्वान किया गया। इसके तहत दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक रेलों की आवाजाही को रोका गया। देश के विभिन्न हिस्सों में किसानों ने रेल की पटरियों पर बैठकर रेलों के सामने खड़े होकर प्रदर्शन किए। कुछ जगह पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को डिटेन भी किया। आइए देखते हैं देशव्यापी इस रेल रोको अभियान की कुछ झलकियां। पूरे देश भर में जारी चक्का जाम, मध्य प्रदेश के भी अनेक शहरों में और अनेक जिलों में हुआ है। भिंड से भी खबर आ रही है कि भिंड में भी दो स्थानों पर चक्का जाम किया गया है। मुरैना की खबर अभी आने की संभावना है। चंबल के सारे इलाकों में, खासतौर से कृषि मंत्री के दोनों पूर्व और वर्तमान संसदीय क्षेत्र गृहनगर ग्वालियर और मुरैना में चक्का जाम की खबरें हैं। आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान के तहत 4 घंटे का देशव्यापी रेल रोको जो अभियान किया गया है, उसको किसानों की तरफ से और आम जनता की तरफ से व्यापक और अपार समर्थन मिला है। आज रोहतक में भी, और न केवल रोहतक, पूरे हरियाणा में, चाहे रोहतक, जींद, भिवानी, दादरी, हिसार, फतेहाबाद, सभी जगह पे किसानों ने रेल ट्रैक को बाधित करके 4 घंटे के रेल रोको अभियान को सफल किया। बेरोजगारों की लाइन लगातार हो रही है लंबी। दिल्ली की सड़कों पर बैठा मेरा अन्नदाता लड़ रहा है, मर रहा है, पर कहा जा रहा है चुप रहो, दिखता नहीं, देश विकास कर रहा है। पिछले 2 महीने से ऊपर होने को चले, देश का सीना फाड़कर जो पूरे देश के लिए 140 करोड़ जनता के लिए, भारत देश की जो अन्न का कटोरा भरता है, वो अन्नदाता आज ठिठुरती सर्दी के अंदर जिस तरीके से भारतीय इतिहास में 1947 के बाद पहली दफा देश के अंदर ऐसा हो रहा है कि एक आपातकाल की ऐसी स्थिति बढ़ा दी है मोदी ने, भयावह डर का माहौल जिस तरीके से पूरे देश का हर सिस्टम जो बेच डाला है इस मोदी सरकार ने कॉरपोरेट घरानों के फायदे के लिए, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पर आज देश वापस आ रहा है, और वो ईस्ट इंडिया कंपनी जिनको हमने जूते मार के देश से भगाया था, आज उन्हीं लोगों को, उन्हीं पूंजीपति लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी सरकार रेलवे, पेट्रोल पंप, सड़कें, जो हर सार्वजनिक जो संपत्ति है वो लाल किले तक, देश की जो लाल किला है वहां तक इस सरकार ने पूंजीपतियों के हवाले कर दिया। आज जो लड़ाई चल रही है इस देश की खेती को बचाने की, इस देश के मजदूरों को, किसानों को बचाने की लड़ाई है, और इस लड़ाई को किसान लड़ेगा। अंबानी, अडानी जिनका आज प्रतिनिधित्व मोदी सरकार कर रही है, उनके खिलाफ ये जो अभियान चल रहा है, जो संघर्ष चल रहा है, ये आखिरकार अपनी जीत पे ही जाके सफल हो। स्वतंत्र पत्रकारिता पर बढ़ते हमलों के खिलाफ आज दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में पत्रकारों ने साइलेंट प्रोटेस्ट या मौन विरोध प्रदर्शन किया। यहां पहुंचे पत्रकारों ने काली पत्तियां बांधकर और पोस्टरों द्वारा अपना विरोध दर्ज करवाया। भारत की साख प्रेस की आजादी के मामले में लगातार गिरती जा रही है। पत्रकारों को अपना काम करने के लिए या तो गिरफ्तार किया जा रहा है या परेशान किया जा रहा है। इसे बढ़ती हुई खतरनाक ट्रेंड के खिलाफ पत्रकारों ने खामोशी से अपना प्रतिरोध दर्ज किया।
आइए देखते हैं ये ग्राउंड रिपोर्ट। लुक आई जस्ट थिंक जर्नलिस्ट शुड प्रोटेस्ट। Something reminiscent of the emergency as far as attacks on press persons is concerned is taking place. It's an attempt to silence not one media outfit but all of them. And specifically when it was on NewsClick, it shows that the government's target now is the online media, the independent media. That's where the attack lies now, because they want to stifle anybody who thinks differently from them. That's not democracy. That's not freedom of speech. Press का एक ही काम है, जो दिखता है उसको आप लिखें। अगर आपको जो समझ में आता है, अगर उस लिखने में अगर आप गुरेज करते हैं, उसमें अगर आप कंजूसी करते हैं, तो ना तो आप पत्रकारिता कर रहे हैं ना ही अपना धर्म निभा रहे हैं। इसलिए मेरा मानना यह है कि पत्रकार का एक ही काम है, जो कुछ भी दिखाई पड़े, जो सच है उसको दिखाए, मजबूती के साथ उसको कहे। दिस गवर्नमेंट इज आउट टू stifle the voice of criticism and dissent. That is why a news portal, NewsClick, it is there, it is giving voice to those whose voice is being ignored by the so-called mainline media. They are giving voice, see, journalists are supposed to be give voice to the voiceless millennium. When a news portal is doing it, they are stifling it. मोदी जी की सरकार आने के बाद जिस रूप में पत्रकारिता खत्म किया जा रहा है और जिस तरह से दबाव है जर्नलिज्म पर, वो बहुत ही बुरा हाल है। जर्नलिज्म नाम की चीज़ ख़त्म हो गई है। अब जिस तरह से उस न्यूज क्लिक के ऊपर छापे पड़े और जिस तरह से एक अखबार ने जिसका इतना बड़ा जर्नलिज्म ऑफ करेज टाइप का एक टैगलाइन है, और उन्होंने एक अननोन सोर्सेज से ईडी के किसी पदाधिकारी को बिना कोट किए बताया कि लगभग 31 करोड़ का जो है वो गड़बड़ पैसे आए हैं विदेश से, तो आखिर ये भी तो पता होना चाहिए था उस रिपोर्टर को जो जिन्होंने 30 साल गुजारे हैं जर्नलिज्म में या 35 साल गुजारे हैं, जो यह बोल पाए कि जब ईडी कहीं भी एक समान सा केस में, इसको छोड़ दीजिए, सामान सा केस में भी किसी के साथ जांच पड़ताल करती है तो उनका मोबाइल, इनका लैपटॉप सब कुछ कब्जे में लेती है, और उसमें ये लिखा जा रहा है कि उनको बार बार मैसेज किया गया, उसने नहीं जवाब दिया। आई थिंक इट्स अ वेरी इनसिक्योर गवर्नमेंट दैट सिट्स टुडे एट द सेंटर, व्हिच फील्स दैट यू नो सम ट्वीट्स और सम कमेंट्स ऑन द सोशल मीडिया और इवन सम ओपिनियन आर्टिकल्स और सम और एनी काइंड ऑफ यू नो न्यूज़ आइटम can sort of destabilize it. I mean, it considers itself so fragile today. We all know what all happening to journalists and media organizations, those who are critical of the policies of the government. They are trying to intimidate not even journalists but also media institutions also, using their agencies, whether that be ED or police, through unnecessary raid and all that. They are trying to silence or suppress the voice of free media. It is intended to stifle dissent. It is intended to tell the people that your voice is not going to be heard. The voice of Adanis, Ambanis and like, and those who support the narrative being promoted by the ruling party and the ruling government, they are only, they will be heard. They will be allowed to speak. ये रेड एक तरीके से न्यूज क्लिक पे नहीं था, ये रेड था सारे के सारे मीडिया जगत को संदेश देने का कि देखिए क्या हम कर सकते हैं और 111 घंटे हम कहीं बैठ सकते हैं। तो सिर्फ न्यूज क्लिक के ऊपर छापा नहीं था, ये छापा एक तरीके से सारे मीडिया संस्थानों के ऊपर, खासतौर पर जो डिजिटल स्पेस में, जो ऑनलाइन जर्नलिज्म में, उनको संदेश देना है कि आप लोग ये जो न्यूट्रल पत्रकारिता करने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप लोग आज़ादी की बात कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो आज न्यूज़ क्लिक है, कल आप लोगों का भी निशाना होगा। And join hands with all the secular, democratic, and common forces
whose news is also being blocked out. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में बुधवार शाम 3 दलित नाबालिग लड़कियों को अचेत अवस्था में पाया गया। इनमें से 2 लड़कियों की मौत हो गई, जबकि 17 वर्षीय तीसरी लड़की कानपुर के रेजेंसी अस्पताल में अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही है। तीनों चचेरी बहन हैं। यह घटना उन्नाव जिले के बावरा गांव में हुई है, जो असोहा पुलिस थाने क्षेत्र में आता है। 16, 13 और 17 वर्ष की लड़कियां बुधवार दोपहर लगभग 3 बजे अपने खेत में पशुओं को चारा ले गई थी। जब वे देर रात तक नहीं लौटे तो उनके परिवार के कुछ सदस्यों ने पड़ोसियों के साथ मिलकर उनकी तलाश शुरू की। पुलिस ने कहा कि तीनों लड़कियां परिजनों को अचेत अवस्था में अपने खेत में मिली। उन्नाव के पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकर्णी ने कहा कि शवों पर कोई चोट के निशान नहीं थे और उनके शरीर पर जहर के लक्षण दिखाई दे रहे थे। पुलिस ने मामले को देखने के लिए 6 टीमों का गठन किया है। ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है। लड़कियों के परिवार ने आरोप लगाया है कि यह एक हत्या का मामला है। सीपीआईएम पॉलिट ब्यूरो सदस्य और कानपुर से पूर्व सांसद सुभाषिनी अली अस्पताल में दाखिल पीड़िता को देखने गई। उन्होंने बताया कि पीड़िता का बयान नहीं दर्ज हो पाया क्योंकि उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए सुभाषिनी अली ने योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं राज्य में आए दिन हो रही हैं, लेकिन सरकार को सिर्फ अपने एजेंडे की चिंता है। लोगों को यहां अब न्याय मिलने की उम्मीद कम होती जा रही है। आज गुरुवार यानी 18 फरवरी को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 12,881 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा कोरोना से 101 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही इसी बीच देश में कोरोना से पीड़ित 11,987 मरीजों को ठीक किया गया है और कुल एक्टिव मामलों में 793 मामलों की बढ़ोतरी हुई है। देश में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,09,50,201 हो गई है, जिनमें संक्रमण के कारण 1,56,014 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना से पीड़ित 97.32% यानी 1,06,56,845 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और कुल एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 1.25% यानी 1,37,342 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार देश में अब तक 94,22,228 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है, जिनमें से 4,22,998 लोगों को वैक्सीन पिछले 24 घंटों में दी गई है। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। न्यूज क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। न्यूज क्लिक देखने के लिए शुक्रिया। Thank you.